कश्मीर की सामान्य मानवी इन लोगों से मुक्ति चाहती है जिन परिवारों ने 50 साल से कब्जा किया हुआ है। इन्होंने तो भारत को लूटा है और आज हमें दिखाते हैं कि हम बड़े ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। 5 साल में जो उन्होंने इस रियासत की बर्बादी की है वो कम है। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जनता ही अब बदलाव चाहती है, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। छेड़खानी करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा। टीम के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में पीएम मोदी ने मायावती की मुस्लिमों से अपील पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसी अपील हिंदुओं से की जाती तो हंगामा खड़ा हो जाता। बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते। खास बातचीत में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आसपा हटाए जाने को जवानों को फांसी पर लटकाने जैसा बताया। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे और रात 10 बजे। जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तट पर लटका देना। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर छापेमारी को सही ठहराते हुए उनकी तुलना भ्रष्टनाथ से की। भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दे इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना जगनी चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर देखिए आज शाम 7 बजे और रात 10 बजे। बीजेपी के संकल्प पत्र में आर्टिकल 35A और 370 को खत्म करने के वादे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने छेड़खानी करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। छेड़खानी करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कहते अकलमंद को इशारा ही काफी।